प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे नीति वचन 31 अध्याय शुरू के 9 वचन। लमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। उसकी माता ने सिखाया, हे मेरे पुत्र, मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को ना देना, ना अपना जीवन उनके वश में कर देना। वो राजाओं का पुरुष खा जाती हैं। हे लेमुएल, राजाओं को दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाहना रहीसों को नहीं फबता। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी के हक को मारे। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण ना करे। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर, और दीन दरिद्रों का न्याय कर। ये राजा है लेमुएल, उसकी माँ ने बचपन में जो उसको सिखाया, वो बड़े होने तक, राज वैभव उसके पास आने तक, उसके बाद भी वो उस बातों को नहीं भूला। तो आज माओं को, बालकों को क्या शिक्षा देनी है? आज समाज, जवान लड़के लड़कियां बिगड़े हुए हैं, पाप की ओर भाग रहे हैं, शारीरिक अभिलाषाएं और कुदृष्टि, निंदा अभिमान ज़्यादातर समाज में जवानों के अंदर दिखाई देता है। इसलिए माओ का बड़ा हाथ है, क्योंकि पिता तो काम पर निकल जाते हैं और माएँ जो घर में होती हैं उनको अपने बच्चों को शिक्षा देना कितना अनिवार्य है, कि सही शिक्षा माँ की ओर से बच्चे को मिले। ये राजा कहता है कि अपना बल स्त्रियों को ना देना, उसकी माँ ने उसे सिखाया, और अपना जीवन उसके हाथ में मत करना। जो स्त्रियों के जाल में फंस जाता है वो अपना बल तो खोता ही खोता, और जीवन भी उनके वश में कर देता है। बाइबल में राजा सुलेमान, ऐसे ही उसका जीवन आखिर में बर्बाद हो गया। ये स्त्रियां जो हैं राजाओं का पुरुष खा जाती हैं। कहता दाख मधु पीना रहीसों को, राजाओं को उचित नहीं है। परमेश्वर ने जब उन राजाओं को, रहीसों को धन संपदा, ताकत, बुद्धि से भरपूर किया, यदि वो जब शराब पीने लगेंगे तो सबसे पहले वो व्यवस्था को भूल जाएंगे, और ऐसा होगा कि वो किसी दूसरे के दुखी जन के हक को मारना शुरू करेंगे। इसलिए राजा होने के बाद भी वो अपनी माँ का जिक्र करता है कि उसकी माता ने उसे सिखाया। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी के हक को मारे। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, दाख मधु उदास मन वालों को देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता भूल जाएं और अपने उस कठिन कठोर श्रम को फिर स्मरण ना करें। क्योंकि दरिद्र जो मेहनत करता है, श्रम करता है, तो अपने कर्म से श्रम करने वाले बहुत है, मजदूर हैं। मजदूर पीढ़ियां पीढ़ियां बीत जाती है मजदूरी करने में, और वो मजदूरी जब करते रहते हैं तो भी वो गरीब ही रहते हैं। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हर जीवन में
जरूरी है। बिना परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी कितना भी ताकतवर हो, वो परिश्रम करे जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रईस बनेगा। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह होता है ऊंचा पद मिलना, राजा के पद तक पहुंचना, और रईसी जीवन में आना, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए जब आदमी रईस हो जाए, राजा बन जाए, तो अनिवार्य है कि वो गूंगे के लिए अपना मुंह खोले और अनाथों का न्याय उचित तरह से करे। अपना मुंह खोले और धर्म से न्याय करे, दीन दरिद्रों का न्याय करे। यदि न्याय को भूल गया राजा और रईस लोग न्याय को भूल गए, तो फिर सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के अनुग्रह को समझकर और अपनी दशा को देखकर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ के नीचे लाने से फायदा है, ताकि परमेश्वर की सच्चाई को जानकर, उसके प्रेम को जानकर कि उसने मुझे कैसे बढ़ाया, कैसे मुझे राजा के पद पे पहुंचाया, कैसे मुझे रईसों के साथ इकट्ठा कर दिया, तो ये परमेश्वर की दया है। यूं तो लोगों के उदास मन हो जाते हैं, श्रम करने वालों के भी, मजदूर जो मजदूरी करता है, जो किसान जो खेती करता रहता है, बहुत हैं लोग जो मजदूरी की तरह अपने दिन ढलती हुई छाया के समान गुजारते हैं, तो भी उनकी दरिद्रता खत्म नहीं होती, उनकी उदासी नहीं हटती है। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें किस हालत में, अच्छी हालत में रखा है, तो हम उसको बहुत धन्यवाद देना है। और जिस हालत में भी वो रखे, उस हालत में भी परमेश्वर के साथ संतुष्टि के साथ रहना है, क्योंकि ढीठ और कठोर मन जो है, घमंडी मन जो है, उनको हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है, और नम्रता ऊंचे पद पे पहुंचाती है। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, और इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें अभी सुरक्षित रखा और हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हो, आप हमसे प्यार करते हो, प्रभु इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अब तक संभालने के लिए हम भरपूर परमेश्वर आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हर पाप और बुराई से हमें बचा के रखता है, हमें सुरक्षित रखता है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परीक्षाओं में पढ़ने नहीं देता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे पिता, माता पिताओं को बुद्धि ज्ञान दे कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सके, आपसे अगुवाई प्राप्त करके अपने बालकों को, छोटे बच्चों को अभी से सिखा सके, ताकि वो बुढ़ापे में भी ना भूलें और प्रभु बुराई से वो भविष्य में बचे रहें। ऐसी आशीष दे पिता, ऐसी बुद्धि और ज्ञान माता पिताओं को दे, यीशु के पवित्र नाम में, आमेन।